भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाली वनडे सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन के नाम है। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक जड़े हैं। वही रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम 8-8 शतक है। अब यह सीरीज में शतक जड़ के दोनों के पास सचिन का यह रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। 3 महीने पहले ही T20 में टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले शुभम गिल इस साल तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके नाम 14 इंटरनेशनल मैचों में 923 रन है। अब आने वाले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 77 रन बनाते ही अपना 1000 रन पूरा कर सकते हैं। साथ ही टीम इंडिया के कुलदीप यादव पिछले 5 सालों से वनडे में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वही दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे नंबर स्थान पर है। पिछले 5 साल में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नेपाल के कप्तान संदीप लामिछाने के नाम है। उन्होंने 41 मैचों में 99 विकेट लिए हैं। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और कुलदीप यादव 91-91 विकेट लेकर बराबरी पर है। अगर कुलदीप यादव इस सीरीज में 9 विकेट ले लेते हैं तो पिछले 5 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली और रोहित शर्मा तोड़ देंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।